भारत ने बांग्लादेश के कोमिला जिले में हिंदू परिवारों के खिलाफ हुई हिंसा पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने कोमिला जिले के मुरादनगर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हुई हिंसा की वारदातों की रिपोर्ट देखी है। हमारा उच्चायोग स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। ये घटनाएं बहुत गंभीर है। विदेश मंत्रालय की माने तो इन मामलों को वहां के अधिकारियों के सामने बड़ी मजबूती के साथ उठाया गया है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमें सूचित किया गया है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी हिंसा के मामलों की छानबीन कर रहे हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए वो सतर्कता बरत रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उक्त घटनाओं को वहां के अधिकारियों के सामने उठाया गया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि इस हफ्ते के शुरू में ही कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों ने कई हिंदुओं के मकानों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया था। दरअसल बांग्लादेश के कुमिला शहर में इस्लाम धर्म के खिलाफ एक कथित फेसबुक पोस्ट के जरिए फैलाई गई अफवाह के चलते हिंदुओं के 3 घर जला दिए गए। यह हमला रविवार को शहर के मुरादनगर इलाके में हुआ। बांगरा पुलिस स्टेशन के ओसी कमरुजमन तालुकदार के मुताबिक धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय उच्चायोग इस मामले को लेकर स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां हिंसा की जांच कर रही हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार हिंसा की यह घटना तब हुई जब फ्रांस में रहने वाले बांग्लादेश के एक नागरिक ने कथित तौर पर अमानवीय विचारधारा के खिलाफ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के कदमों की सराहना की। बांग्लादेश के फेसबुक पर फैली अफवाहों के चलते कम से कम 15 हिंदू मंदिरों और कई घरों को निशाना बनाया जा चुका है। इन घटनाओं के चलते वहां रह रहे हिंदू परिवार खौफजदा हैं। रिपोर्ट भारत का।